दहेज मांगने पर घरातियों ने दूल्हे सहित बारात को बनाया बंधक। मेरठ में एक दूल्हे को दहेज में कार मांगना महंगा पड़ गया। दहेज में कार मांगने पर गुस्साए घरातियों ने दूल्हे सहित पूरी बारात को बंधक बना लिया है। जमकर हंगामा किया। घंटों तक ये घटनाक्रम चलता रहा। उधर सूचना के घंटों बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घरातियों को समझा बुझाकर शांत कराया और आरोपी दूल्हे को बंधन मुक्त कराकर बारातियों को सकुशल गांव से बाहर निकाला और दहेज लोभी दूल्हे और उसके भाई को थाने ले आई। मामला मेरठ के परतातुर थाना इलाके के ततीना गांव का है, जहां गांव के रहने वाले अब्दुल रसीद की पुत्री की शादी थी और बारात लिसाड़ी गेट थाना इलाके के रहने वाले युवक से तय की गई थी। लड़की पक्ष ने अपनी हैसियत से जो बना उसका हिसाब पूरी व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन निकाह से पूर्व ही दूल्हे ने कार की मांग कर डाली, जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। इतना ही नहीं, दूल्हे ने धमकी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो अंजाम बुरा होगा। इसे गुस्साए घरातियों ने दूल्हे और बारात को बंधक बना लिया। घंटों बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी प्रकार घरातियों को समझा बुझाकर दूल्हे और उसके रिश्तेदारों को बंधन मुक्त कराकर थाने ले आई। लड़की पक्ष के लोगों ने शादी का खर्च वापस दिलाने और आरोपी पक्ष पर कार्रवाई करने की मांग की है। इनके लड़के ने ये कह दिया कि भैया अगर तुम मेरी शादी कर रहे हो अपने बाबा से और अपनी दादी से, ये कह दिया अगर तुम मेरी शादी कर रहे हो, अगर तुम मेरे घर में आ जाएगी तो तुम पछताओगे जाने के, या तो मेरी लड़की को ले जाकर वहाँ मारेगा या वो खुद करेगा। ये कल रात की बात है। जी हाँ, उनकी दहेज की डिमांड। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद, अब्दुल रशीद साहब, आपकी बेटी की बरात है, क्या पूरा मामला है, क्या बात हुआ था? देखो जी, दिन से दिन तक मैंने खुशामंद करता थक गया। 12-12 बजे, 1-1 बजे इनके घर पे आया, इनको बुलवाया, सारे काम करे, इन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी, ना इन्होंने मेरी कोई बात रखी किसी तरह की भी। इनकी बुलेट की डिमांड, कभी कार की डिमांड, कभी काय की डिमांड, कभी नगद की डिमांड, कभी काय की डिमांड, इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया जी। जी आज इनसे बातचीत करने में तो लड़के का निकाह नहीं देने का जी, लड़के का निकाह नहीं देने का, मैंने निकाह नहीं दे रहे अपनी लड़की के साथ, निकाह नहीं दे रहे। मैं कर रहा हूँ जी, मैंने मेरी बस की इनकी डिमांड पूरी करनी नहीं है। डिमांड में क्या मांग रहे हैं आपसे? कार, कभी कार मांगे, कभी मोटरसाइकिल, बुलेट मोटरसाइकिल, कभी कुछ, कभी नगद, क्या करूँ। 60,000-60,000 रुपए दहेज के उसके मांग रहे हैं फर्नीचर के, वो मैंने दिए हैं नगद। मेरी बेटी पर खुश रहेगी, सुख रहेगी, इसलिए दिया मैंने। इनके लड़के ने ये अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम आपका? PRB 593 के प्रभारी है जी। जी, ये जैसे काफी आपको जो 100 सूचना मिली, क्या पूरा मामला था? इनके बड़ा शादी का मामला था, लड़के वाले पता नहीं इनका कहना क्या है, सही है क्या है, वो मांग मांग कर रहे होंगे तो आपस में इनका विवाद हो गया था, तो अब तो इन्हें समझा। हाँ, एक पार्टी लड़के वालों को थाने भेज दिया, लड़की वालों को ले जाया। स्थिति कैसी है अभी? अब शांति है बिल्कुल, कोई बुरी नहीं, बढ़िया। तो मैं बारात को बंधक बनाने का मामला सामने आया है, क्या अब तक जाँच में निकल कर आया है? प्रतापपुर थाना क्षेत्र में हतीना गांव में श्याम नगर से एक बारात गई थी, बताया गया है जो जानकारी हुई है। इसमें करीब 2 साल से शादी की बात चल रही थी और दहेज के ऊपर बात बन नहीं पा रही थी। परसों भी लड़के वालों ने मना कर दिया था, कल लड़की वालों ने मना कर दिया था, फिर जो भी इनकी बात हुई वो आज बारात चली आई। बारात आ गई, बारात में खाना ना खा लिया और फिर जो खुशन रिश्ता जानकारी मिल रही कि दहेज के संदर्भ में है, बात गिर गई और इसमें जो घर वाले हैं लड़की पक्ष, इन लोगों ने लड़के पक्ष के साथ उनको रोक लिया और रोकने के बाद दोनों पक्ष थाने पर पहुंचे हैं और इसमें मारपीट की विवाद संज्ञान में आई है। पूरे प्रकरण की जानकारी करके इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।